एयरसेल को लेकर बहुत चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। अगर आप भी एयरसेल के ग्राहक हैं तो इस खबर को देखना ना भूलें। सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 के एयरसेल कंपनी के मुख्य कार्यालय के सामने सोमवार रात को सेल्स हेड सहित अन्य अधिकारियों को रोककर डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर के फ्रेंचाइजी लिए हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि कंपनी में इनके 10 से 15 लाख रुपए अटके हुए हैं, जो इन्हें वापस नहीं मिल रहा है। वहीं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बारे में पूछने पर उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं एयरसेल कंपनी पिछले 5 सालों से कर रहा था। मैंने अपने यंग एज का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, रुपया, पैसा सिर्फ इस कंपनी में लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि मैं एक ऐसे देश में काम करता हूँ जहाँ पे एक कंपनी है और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट्स है एक प्रॉपर कंपनी में लगा के मैं काम कर रहा था। अचानक मेरे को 19 तारीख को पता चलता है कि कंपनी 19 फरवरी को पता चलता है कि कंपनी अभी कुछ NCLT में फाइल कर रही है। मैं एक कॉमन बिजनेसमैन, मेरे को ये सब बारे में कोई जानकारी नहीं था। उसके बावजूद हम लोगों ने कंपनी से भी बातें की, कंपनी बोला कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, आप हम लोग आपके साथ हैं। 28 तारीख को हम लोग को ये पता चल रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी NCLT में अपना केस फाइल कर दिया है और आज के डेट में जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो कोई 1 रुपया का भी गारंटी लेने के तैयार नहीं है कि आपका पैसा का क्या होगा। यहाँ समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, हम तो रास्ते पे आ ही गए हैं। हमारे रिटेलर, हमारे लड़के जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे, उनके इंसेंटिव को रोक दिया गया। रिटेलर जो 2-2%, 3% के मार्जिन पे काम करते थे, उनका बैलेंस फंसा हुआ है, लाखों रुपया हम लोगों का फंसा हुआ है। आज ना हम घर पे जा सकते हैं, ना आज हम ऑफिस में रह सकते हैं। कैसे इतनी बड़ी एक कंट्री में कोई कंपनी इस तरह से जा सकता है? हम TDS जमा करते हैं, कमीशन मिलने से पहले हम लोगों का सरकार को TDS चला जाता है, GST जाता है, हर चीज़ पेन एंड पेपर पे, एक पैसा भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम लोग लॉ के हैं। आज कोई भी सरकार, कोई भी कैसे ये विड्रॉ कर सकता है? कोई हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं है जो सामने से आके ये बोले कि नहीं हम लोग आपके साथ हैं। गवर्नमेंट पैसा लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन इस मामले में गवर्नमेंट आंसर करने में इतना क्यों लेट करती है? कोई सामने से आके, अभी हम लोग यही चाहते कि कोई हम लोगों को ये जो हम लोगों का रिटेलर का जो पाने का है, जो हमारे कम जो गरीब घर के लड़के हैं जो हमारे यहाँ FAS के लिए काम करते थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अपने सारे उम्र की पूंजी इस कंपनी के पीछे लगा दी, एक बिजनेस के पीछे लगा दी, उसका रुपया मिल जाए। हम लोग एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, हम लोगों के पास एक लिमिटेड कैपिटल है और अगर हम लोगों से वो कैपिटल ले लिया जाएगा तो हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा, मैं हावड़ा में डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ।